गया जिले से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल राजस्थान पुलिस की एटीएस की कस्टडी से एक कैदी हथकड़ी सहित फरार हो गया। बोध गया के कालचक्र मैदान के नजदीक एक गेस्ट हाउस में एटीएस की टीम कैदी के साथ चौथी मंजिल पर ठहरी हुई थी। कैदी ने एटीएस के जवानों को वोमिटिंग करने की बात कहकर बालकनी की तरफ गया और बगल के गेस्ट हाउस की ओर कूदकर भाग निकला। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फरार कैदी बाराचट्टी थाना क्षेत्र के रहने वाले खलील कुरैशी का पुत्र सफदर कुरैशी है, जिसे 3 अक्टूबर को राजस्थान के जयपुर में मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तारी की गई थी। कैदी को रिमांड पर लेकर मामले की जांच के लिए एटीएस के इंस्पेक्टर पुरुषोत्तम कुमार अपने 5 अधिकारियों के साथ डोभी पहुंचे थे, तभी एटीएस की टीम को चकमा देकर कैदी फरार हो गया। आपको बता दें कि कैदी की गिरफ्तारी के लिए एटीएस की टीम स्थानीय थाना के साथ मिलकर लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। राजस्थान से पुलिस उनको लेकर आई थी और उसकी सूचना कोई स्थानीय थाने को उपलब्ध नहीं थी। लोग अपने स्तर पर किसी निजी होटल में रुके थे और उसी होटल से ही रात में कैदी भाग गया है। संबंध में भागने के बाद उनके द्वारा बोधगया थाना को सूचना दी गई। इस संबंध में बोधगया थाना में प्राथमिकी अंकित की गई और उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास करते हैं। गया से मनोज कुमार के साथ अंशु भारद्वाज की रिपोर्ट, एटीएन लाइव इंडिया।